हेलो एवरीवन, मैं गुड कुमार, को फाउंडर एससीआई मार्केट्स एंड ऑप्शनोलॉजी। एज ए इंडियन अपने लाइफ में दिन का काफ़ी महत्व है, क्या सोमवार है या मंगलवार है, बुध बृहस्पति या शुक्र या शनि या रवि। जैसा कि मंगलवार को हम लोग हनुमान जी का दिन मानते हैं, हम लोग हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, मंगलवार को पूजा अर्चना करते हैं, हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। उसी तरीके से मुस्लिम भाई शुक्रवार को जुमे का दिन मानते हैं एंड उस दिन जाके मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। इसी तरीके से जो भी ट्रेडर है उसके लिए भी कुछ दिन है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। जनरली जो ऑप्शन ट्रेडर होता है उसके लिए थर्सडे बृहस्पतिवार एक प्रकार से पूजा अर्चना का ही दिन होता है, जहां वह कमती पैसा का चढ़ावा करता है और चाहता है उसके बदले उसे काफ़ी ज़्यादा मिले, जितना उसने चढ़ावा चढ़ाया उसे कई गुना ज़्यादा उसे मिले। और अगर कोई ऑप्शन ट्रेडर है और थर्सडे यानी एक्सपायरी के दिन ट्रेड अगर नहीं कर रहा है तो फिर वह उसे लगता है कि हम क्या ही तो ऑप्शन ट्रेडर है। ठीक है, तो कोई भी ट्रेडर जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करता है वह अपने टर्मिनल पे जरूर माथा टेकता है एक्सपायरी डे के दिन। एंड ऐसा दिन है जहाँ पे उसे लगता है कि यहाँ हाई चांसेस है और क्विक तुरंत पैसा बनाने का काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, एंड इस दिन को कैसे कोई मिस कर सकता है। तो चलिए आज अपने इसी दिन को लेके कुछ जो लोग ट्रेडिंग करते हैं एक्सपायरी डे के दिन, क्या वो ट्रेड करते हैं ऑप्शन में, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एंड और अलग तरीके से क्या ट्रेडिंग की जा सकती है इस दिन, इसकी बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्सपायरी डे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। तो देखिए, जनरली जो लोग एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड करते हैं, जाहिर सी बात है उस दिन सारा प्रीमियम गल जाना है, जो भी बचा है प्रीमियम एक दिन का ही समय है, गल जाना है। एंड इस कारण से जाहिर सी बात है कि आप अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो पैसा बनेगा, और उस एक्सपायरी की जहां पे आज ही एक्सपायरी जिस सीरीज की है उसकी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो हायर चांस है कि आपके पैसा क्विक बनेगी। अब यहां पे दो चीज़ें हैं, कुछ लोग टेक्निकल के आधार पे ट्रेड करते हैं आज के दिन, और कुछ लोग नॉर्मली स्ट्रैटेजी कोई लगा के या स्ट्रैडल स्ट्रैंगल करके या स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं, उन्हें नहीं देखना चार्ट वगैरह, बट स्टॉप लॉस मेंटेन करके वो काम करते हैं। अब जाहिर सी बात है जो टेक्निकल के आधार पर ट्रेडिंग करते हैं उनका किसी और दिन जितना कमाई होगा अगर वो सही होते हैं, आज के दिन ज़्यादा कमाई और तुरंत कमाई होने की चांसेस है। क्योंकि सपोज किसी को लगता है चार्ट के बेसिस पे कि निफ्टी ऊपर जाएगी और उसने पुट ऑप्शन सेल कर दिया, तो अगर वो सही होता है तो पुट ऑप्शन जितने प्रीमियम का सेल किया है उसका सारा का सारा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे बाइंग साइड जाए तो किसी को लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा और सटीक हो जाता है और सही से स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन उसने किया है और उसका प्रिडिक्शन ठीक हुआ है, तो वहां पे भी पैसा बनाने की काफी ज्यादा चांसेस होती है। अब ये तो मैंने चार्ट के बेसिस पे बोला, जो चार्ट के बेसिस पे ट्रेड करते हैं जाहिर सी बात है वो भी स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गलत वो भी हो सकते हैं। तो आज के दिन एक्सपायरी के दिन लोग इस तरह से काम करते हैं। अब कुछ सारे ट्रेड में शेयर कर रहा हूं जो जनरली लोग किया करते हैं, आप लोग भी करते हैं, उसे पैसा भी बनता है। अब आज के दिन बायर भी पैसा बना सकता है, आज के दिन सेलर भी पैसा बना सकता है, डिपेंड करता है कि आपका स्टाइल क्या है ट्रेडिंग का, आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें आप उसको कैसे किस आधार पे ले रहे हैं और क्या आपका स्ट्रैटेजी है आज के दिन। अगर वो सही से इस्तेमाल किया जाए तो बायर भी पैसा बना सकता है और सेलर भी पैसा बना सकता है। बट यस, एक्सपायरी के दिन जाना जाता है इसलिए क्योंकि आपका जो भी प्रीमियम बचा हुआ है वो आज के दिन गल जाना है। तो जाहिर सी बात है अगर आप सेलिंग साइड में है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है एज ए ऑप्शन ट्रेडर कि आप पैसा बना पाएंगे, बट आज के दिन बायर भी पैसा बनाते हैं, अगर उसका निशाना सही लगा, उसका जो प्रिडिक्शन वो सही हुआ तो पैसा भी बायर भी आज के दिन काफ़ी ज़्यादा बना सकता है। तो चलिए कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी जो जनरली एक्सपायरी डे के दिन ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, आप लोग भी करते हैं, उसकी बात करेंगे, और लास्ट में एक ऐसा स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आप कर सकते हैं, वो सभी ट्रेडिंग स्टाइल से वो हट के है और उसमें अच्छा खासा रिटर्न भी बनता है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि जनरली हम लोग ट्रेडिंग क्या करते हैं और कैसे करते हैं एक्सपायरी के दिन। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा।
तो जैसा कि सबसे पहला जो होता है उसमें जनरली लोग क्या करते हैं, स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल, ठीक है, स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल ये करते हैं। अब स्ट्रैडल स्ट्रैंगल आप सभी को मालूम होगा, स्ट्रैडल मींस आप सेम स्ट्राइक प्राइस का एटीएम का आप कॉल इनपुट सेल कर रहे हैं, और स्ट्रैंगल मतलब आप दो ओटीएम स्ट्राइक प्राइस का सेल कर रहे हैं। सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं अगर, तो लेट्स से कि 17,500 पे निफ्टी ट्रेड कर रही है, तो कोई अगर 17,500 का कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दोनों सेल कर देता है, ठीक है, तो ये स्ट्रैडल हो गया। और मान लीजिए कोई ऐसा करता है कि 17,400 का पुट ऑप्शन सेल कर देता है और 17,600 का कॉल ऑप्शन सेल कर देता है, ठीक है, तो इसे हम लोग स्ट्रैंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा ट्रेड होती है, स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल विथ स्टॉप लॉस, विथ स्टॉप लॉस। अब यहां पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने 17,500 का कॉल भी सेल किया, 17,500 का पुट भी सेल किया, और आपने जो प्रीमियम कलेक्ट किया है, आपने जो प्रीमियम कलेक्ट किया है वो लेट्स से कि 60 रुपीज और 60 रुपीज किया है, ठीक है, तो आप सिंगल सिंगल साइड लेट्स से कि स्टॉप लॉस आप लगा दे रहे हो 30 रुपीज का, ठीक है, और इधर भी स्टॉप लॉस लगा दे रहे हो 30 रुपीज का। अब ऐसा करके आप पोजिशन को ले रहे हैं, एंड अगर ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा तो ये 60 रुपीज है, या धीरे धीरे गलता गलता 50 पे जाएगा, 50-50 होगा, फिर उसके बाद 40-40 होगा, ठीक है, इस तरह से गलता चला जाएगा, ठीक है, और लास्ट में जाके जिधर भी एक्सपायरी होगी जिस स्ट्राइक प्राइस के आसपास होगी, एंड उसके हिसाब से जो इंट्रेंसिक वैल्यू रहेगा और बाकी का टाइम वैल्यू सारा का सारा गल जाएगा, तो इस तरह से फायदा बनता है। अब अगर यह कमती मूव हुआ तब तो फायदा बनना ही बनना है, अगर मान लीजिए कि इधर भी साइड जोर का मूव हो गया, ठीक है, लेट से कि निफ्टी ऊपर ही ऊपर चला जा रहा है, तो इन दैट केस कॉल ऑप्शन का जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर्ड हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे आपका लॉस जो है वो 30 रुपीज का हो गया, क्योंकि स्टॉप लॉस आपने 30 का दिया था, बट जो अपोजिट साइड है वो सारा का सारा प्रीमियम गल जाना है, क्योंकि निफ्टी ऊपर चला गया और 17,500 का जो पुट ऑप्शन है वह ओटीएम हो गया एंड यह एक्सपायर्ड हो गया वर्थलेस, तो यहां पे आपका 60 रुपीज आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है, यहां पे लॉस 30 का, तो आप ओवरऑल 30 रुपीज अर्न कर लिए। तो कुछ लोग इस तरीके से करते हैं कि आपने स्ट्रैडल डाल दिया और बोथ साइड स्टॉप लॉस लगा दिया एंड उसके बाद पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं कि इधर भी एक साइड का स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाएगा, दूसरे का जीरो हो जाएगा। अब अगर साइडवेज रहा तो दोनों में फायदा हो जाएगा, किसी का भी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, और कभी कभी अगर जिगजैग मूवमेंट हुआ ऐसे ऐसे तो बोथ साइड का स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाएगा, तो मैक्सिमम आपका 60 रुपीज का लॉस लगेगा, ठीक है। उसमें भी क्या करना है कि ऐसा नहीं करना है कि आपको स्टॉप लॉस लगाया और जिगजैग का वेट करना है, लेट्स से कि आपने 17,500 का कॉल ऑप्शन सेल किया है, 17,500 का पुट ऑप्शन सेल कर दिया है, ठीक है, 60-60 के प्रीमियम पे, और आपने स्टॉप लॉस जो लगाया है वह 30 रुपीज का लगाया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है किधर भी एक साइड का प्रीमियम अगर 90 रुपीज जाता है, इन दैट केस आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाएगा। अब मान लीजिए कि एक साइड का स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो गया क्योंकि निफ्टी ऊपर जा रही थी, कॉल साइड का स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो गया, तो यहां पे आपको 30 रुपीज का नुकसान लग गया। अब जाहिर सी बात है जब ये ऊपर गया होगा तो ये जो 60 का प्रीमियम अभी जब आप ट्रेड ले रहे थे जिस वक्त था वो इससे कमती हो जाएगा, या तो 50 हो जाएगा या 40 हो जाएगा। अब इस वक्त आपको क्या करना है कि यह जो आपने स्टॉप लॉस लगाया था ना, इसको आपको मॉडिफाई करके कॉस्ट पे ले आना है, मींस 90 का जो स्टॉप लॉस था उसको आप 60 पे ले आएंगे, तो आपको कॉस्ट पे आपका चला गया। अब अगर मान लीजिए कि जिगजैग मूवमेंट होता है, इन दैट केस आपको वन साइड का तो 30 रुपीज का लॉस लगा ही था, अब मान लीजिए कि निफ्टी नीचे आ जा रही है तो यहां पे 60 का जो अब मॉडिफाई स्टॉप लॉस वो टिकट हो जाएगा, तो आपको पुट साइड कोई नुकसान लगा ही नहीं, ठीक है, तो सिर्फ 30 पॉइंट का नुकसान आपको लगा। तो इस तरीके से लोग ट्रेडिंग करते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर साइडवेज रहा तो फायदा, एक तरफ जोर का चला गया तो फायदा, अगर जिगजैग मूवमेंट हुआ देन आपका लॉस लगेगा, ठीक है, तो ये काफी लोग करते हैं, इसमें भी रिटर्न बनता है। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सपोज 17,500 का कॉल ऑप्शन एंड 17,500 का पुट ऑप्शन सेल किया, ठीक है, अब इसका ही लोग कंबाइंड स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है, कंबाइंड स्टॉप लगाते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने पहले देखा जिसमें
बोथ साइड हम लोग स्टॉप लॉस लगा रहे थे 30-30 का, बट इसमें कंबाइंड स्टॉप लॉस लगा लिया जाता है लेट्स से 60 पॉइंट का, ठीक है, एंड इस तरीके से फिर इसको ट्रेड किया जाता है। तो ये मैंने एक तरीका बताया, उसी तरह से जायज सी बात है इस ट्रायंगल को भी ट्रेड करते हैं लोग, ठीक है। इस ट्रायंगल में भी वही सेम तरीका है कि लेट्स से 17,400 और 17,600 का आपने पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है, और इसमें भी उसी तरह से सिंगल साइड या कंबाइंड स्टॉप लॉस लगा के लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस है जिसको लोग ट्रेड करते हैं इस स्ट्रैटेजी में, ठीक है। तो इसको देखिएगा, नॉर्मली इस तरह से ट्रेडिंग लोग करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि कोई स्ट्रैडल स्ट्रैंगल नहीं डालते हैं अपने, नॉर्मली डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है, डायरेक्शन देखते हैं एंड डायरेक्शन के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। अब डायरेक्शन क्या देखना है कि लेट से चार्ट पे दिखा कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो क्या क्या पुट सेल कर दिया, लेट से 40 रुपीज प्रीमियम का पुट सेल कर दिया और स्टॉप लॉस लगा दिया 20 का। अब क्या है कि डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो ये 40 अभी है और ऊपर चला जाएगा तो 30, 20, 10, 5 इस तरह से ये कमता चला जाएगा, ठीक है, तो आपको फायदा हो जाएगा। और अगर घूम के आ गया तो ठीक है, स्टॉप लॉस टिकट हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो इस तरह से लोग करते हैं, तो इस तरह से डायरेक्शन देख के लोग पुट सेल कर देते हैं, कॉल सेल कर देते हैं, इस तरीके से ट्रेडिंग भी लोग करते हैं जिसमें भी फायदा बनता है अगर आपका डायरेक्शन सही होता है। अब तीसरे तरह के जो लोग होते हैं वो है जो बाइंग करके काम करते हैं, ठीक है। अब जाहिर बात है ऑप्शंस बाइंग करना थोड़ा सा एक्सपायरी के दिन मैं सलाह तो नहीं करता, बट यस अगर आपको कॉन्फिडेंट है अपने डायरेक्शन पे तो आप जनरली इसको कर सकते हैं। तो कुछ लोग बाइंग करके भी काम करते हैं, ऑप्शंस बाई करते हैं, एंड जनरली जो बाई करते हैं उसका माइंडसेट यही रहता है कि हम जो बाई करेंगे ना वो 10 का 15 का प्रीमियम का बाई करें और काश ये 50, 60, 100 हो जाए, ठीक है। तो कुछ लोग इस दिन थोड़ा सा उस तरह के मूड में चले आते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जैसे हम लोग भगवान के पास जाते हैं, कमती का चढ़ावा देते हैं और चाहते हैं कि सारा दुनिया का धन दौलत हमारे पास आ जाए, तो उस तरह का माइंडसेट लेके लोग यहाँ पे सपोज 5,000 रुपीस या 1,000 रुपीस या इवन 500 रुपीस का चढ़ावा लेके जाते हैं टर्मिनल पे और चाहते हैं काश यहाँ से मुझे 1,00,000 रुपया बन जाए, ठीक है। ये माइंडसेट जनरली होता है। अब कभी कभी तुक्के में आपका 500 का 1,000 बन जाता है, बट जनरली आप लूज ही करते हैं एक्सपायरी के दिन, तो ये सही नहीं है। बट यस अगर आपका डायरेक्शन सही है तो आप यह ट्रेड कर सकते हैं एंड इसे पैसा बनाने के हाई चांसेस होती है। बट ऐसा तभी करना चाहिए अगर बाइंग भी आप कर रहे हैं तो ज़्यादा समय होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि मोमेंटम अभी आया है तो उस मोमेंटम का फायदा उठा के बाइंग कीजिए और प्रॉफिट बुक करके फिर निकल जाइए। एक्चुअली होता क्या है काफ़ी लोगों के साथ दिक्कत कि जनरली वो लोग क्या करते हैं कि जो बाइंग वाला काम करते हैं ना वो ओटीएम स्ट्राइक प्राइस करते हैं क्योंकि प्रीमियम कमती होता है। तो लेट्स अगर किसी को बाई करना है ऑप्शन और 17,500 पे निफ्टी चल रही है जिसका प्रीमियम 60 रुपीज़ है मान लीजिए, तो इसको नहीं बाई करते हैं, वो क्या करते हैं सपोज कॉल ऑप्शन है वो चले जाकर 17,800 पे जिसका 5 रुपीज़ चल रहा है प्रीमियम, अब इसको जाके बाई करेंगे जो कि काफ़ी ओटीएम है। अब क्या होता है कि कभी कभी जब मूवमेंट आता है ना तो ये 17,500 और अचानक 100 पॉइंट का मूवमेंट आ गया, लेट से कि 17,600 चला गया मार्केट, तो इन दैट केस क्या होता है ये 5 वाला 10-15 चला जाता है, 10-15 चला जाता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप फायदा उठाना चाहता है कि चलो 5 का 10-15 हो जाएगा, पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है, और ह्यूज क्वांटिटी उठा लेते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जैसे हम लोग भगवान के पास जाते हैं ना, कमती का चढ़ावा देते हैं और चाहते हैं कि सारा धन दौलत दुनिया का मेरे पास आ जाए, उसी माइंडसेट से बाहर जाते हैं और लेट से 5-10 रुपये का प्रीमियम का बाई करते हैं एंड वो चाहते हैं कि पैसा डबल ट्रिपल हो जाए। तो ऐसा क्या होता है कि जब थोड़ा सा बढ़ा लेट से 17,600 पॉइंट बढ़ गया तो ये आपका हो जाएगा 10-15 दिखेगा, बट आपका तो स्ट्राइक प्राइस 17,800 है जो कि अभी भी ओटीएम स्ट्राइक प्राइस है, तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे फिर गलना शुरू हो जाता है और लास्ट में यह 1-2 रुपये पर चला आता है, ठीक है, और लास्ट में 0। तो इस तरीके से लोग करते हैं काम और जनरली लॉस ही करते हैं। तो अगर किसी को मोमेंटम का फायदा उठा के बाइंग भी करना है तो आपका जैसे ही 10-15 हुआ और आपको दिखा कि मोमेंटम अब रुक गया है या अब और ऊपर नहीं जा रहे तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी को बाइंग भी करना है तो वो होना चाहिए 5-10 मिनट इससे ज़्यादा का नहीं, एंड उस बीच में आपको फायदा उठा के चले जाना है। अब होता क्या है ना कि कुछ लोग ऐसा देखते हैं, दिक्कत उनके साथ यही है कि कुछ लोग ऐसा देखते हैं ना कि कोई एक प्रीमियम
और जनरली बैंक निफ्टी में ऐसा देखा जाता है कि इसका प्रीमियम लेट से कि 20 रुपीज़ चल रहा था कॉल ऑप्शन का, और अचानक बैंक निफ्टी में आया तेजी, तो ये 20 का कभी कभी 150-200 भी चला जाता है। और ऐसा आप लोग देखते हैं एक्सपायरी के दिन एक दो वीक में ऐसा हो ही जाता है महीने में। तो आपको ये समझ में फिर आता है कि यार यही काम तो ठीक है, 20 का हम अगर बाई करते हैं और ये देखिए 150 या 200 चला जाता है, और अगर हम 20 का सेल करेंगे तो मैक्सिमम तो मेरा 20 ही आएगा, ठीक है, तो क्यों ना बाइंग वाला काम करें। तो इसी को देख के लोग बाइंग करने जाते हैं, और जनरली अगर कोई 20 का बाई कर रहा हो 200 तक वेट भी नहीं करता है, कि 200 वो जाएगा, कभी कभी चला भी जाता है, बट आप 20 का थोड़ी 200 तक वेट करते हैं, आप 20 का 30-40 आता निकल जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपने 20 का देखा है जीरो होते हुए, तो उस माइंडसेट से जाते हैं, बट आप 200 तक वेट ही नहीं करते कभी, उसके पहले ही आप निकल जाते हैं। तो इस कारण से कुछ लोग ये धंधा पानी करते हैं, और अगर थोड़ा सा लक फैक्टर साथ दिया, मैं तो लक ही बोलूँगा, ऐसा हो गया तो आपको प्रॉफिट बन जाती है, बट जनरली ये कोई तरीका नहीं हुआ जहां से आप रेगुलर पैसा बना सकते हैं। रेगुलर पैसा वही स्ट्रैडल स्ट्रैंगल विथ स्टॉप लॉस जो कभी करते हैं, वही एक्चुअल ठीक ठाक पैसा बना लेते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट मेरा ऐसा मानना है कि ये सब जो चीज़ें हैं ये तो कॉमन है, काफ़ी लोग करते हैं, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल में स्टॉप लॉस लगा के काम किया, सिंगल साइड स्टॉप लॉस लगा के काम किया, बट सबसे ज़्यादा फायदा आता है एक्सपायरी के दिन वह होता है रेशियो स्प्रेड में, रेशियो स्प्रेड, ठीक है। अगर यह स्ट्रैटेजी में आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है पैसा बनाने का, और अच्छा खासा पैसा बनता है। अब इसके ऊपर ना मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है विथ बैक टेस्टेड रिपोर्ट, जो कि मैंने SECI मार्केट के एप्लीकेशन पर डाला हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है, एप्लीकेशन की लिंक, आप लोग जाके वहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको एक्सपायरी डेटेड रेशियो स्प्रेड स्ट्रैटेजी इस नाम से वीडियो दिखेगा, और इस नाम से ही बैकटेस्टर रिपोर्ट भी दिखेगी। उसको देखिए, उस वीडियो को देखिए पूरा, उस बैकटेस्टर रिपोर्ट को देखिए, एंड आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा एक्सपायरी के दिन यह स्ट्रैटेजी काम का है, जो नॉर्मल हम लोग स्ट्रैटेजी करते हैं उससे अलग हटके है, एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस कि आप पैसा बना सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर आप लोग देखिए, और उस बैकटेस्टर रिपोर्ट को भी देखिए, जहाँ पे पूरे एक साल का बैकटेस्टर रिपोर्ट है, और उसमें वीक दर वीक क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ वो दिया हुआ है, एंड ओवरऑल क्या फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है ये दिया हुआ है। तो आप लोग जाके एक्सपायरी डे ट्रेड रेशियो स्प्रेड नाम की वीडियो और फाइल जरूर देखिए, एंड उससे आपका एक्सपायरी डे ट्रेडिंग में फ़ायदा बढ़ जाएगा, अगर आप उस रूल को फॉलो करके ट्रेडिंग करना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।